साथियों, आज से लगभग 20 लाख साल पहले हमने आग की खोज कर ली थी, पर एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि हम अपने विज्ञान और बुद्धि कौशल से जटिल समस्या का उत्तर खोजते जा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की पूरी मानवता विचलित खड़ी दिखाई पड़ती है। अभी तक हमारे पास इसका कोई उत्तर उपस्थित नहीं है। हम लगातार इस प्रश्न से संघर्ष कर रहे हैं कि यह ब्रह्मांड कहां से अस्तित्व में आ गया, और इसका उत्तर देने के लिए न केवल वैज्ञानिक बल्कि दार्शनिकों ने भी अपने अपने मत रखे हैं। हमारे भारतीय इतिहास में आज से हजारों साल पहले हमारे वेदों और उपनिषदों में कई सिद्धांत डेवलप किए गए जो आज के आधुनिक युग में भी रेलेवेंट हैं, और इन्हीं में से एक है विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद का नासदीय सूक्त, जिसमें सृष्टि की रचना का सबसे सटीक विचार उपस्थित है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 88 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम ऋग्वेद में वर्णित नासदीय सूक्त के माध्यम से इस सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे के रहस्य को समझने वाले हैं। हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि नासदीय सूक्त के मंत्र सृष्टि निर्माण की आधुनिक वैज्ञानिक थ्योरी से कितना संबंध रखते हैं और किस लेवल पर जाकर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे जो सबसे ज्यादा प्रचलित मत है वो है बिग बैंग थ्योरी। और इस थ्योरी के अनुसार आज से 12 से 14 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड एक परमाणविक इकाई के रूप में था, यानी सिंगुलैरिटी के रूप में था। ये सिंगुलैरिटी इतनी छोटी थी कि इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो था और इसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट इन्फिनिट थी, यानी कि प्रोटॉन से भी लाखों गुना छोटी सी जगह में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। और ये वो समय था जब मानवीय स्थान और समय, यानी कि टाइम और स्पेस, अस्तित्व में नहीं थे। हम इस छोटी सी इकाई, या जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, हम इसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते थे। और इसी अत्यंत सूक्ष्म इकाई में एक महाविस्फोट हुआ जिसके कारण ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। ये विस्फोट इतना ऊर्जावान था कि उस अत्यंत सूक्ष्म इकाई में जितना भी मैटर समाया हुआ था वो फैलने लगा, और इस प्रकार से ब्रह्मांड की रचना हुई जो आज भी लगातार फैल रहा है। तो साथियों, ये आधुनिक विज्ञान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे का सबसे प्रचलित मत है। अब आइए चलते हैं ऋग्वेद के नासदीय सूक्त की तरफ, जो सृष्टि की रचना के विषय में बताता है। अब साथियों, बिग बैंग थ्योरी के इतने प्रमाण तो मिल गए हैं कि ये सबसे मजबूत थ्योरी नजर आती है। बस इस थ्योरी में केवल इतनी कमी है कि जो सिंगुलैरिटी है जिसमें विस्फोट हुआ था, वो सिंगुलैरिटी कहां से आई इसका पता अभी नहीं चल पाया है। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि जो सिंगुलैरिटी है जिसमें विस्फोट हुआ था, ये किसी पुराने यूनिवर्स से बनी थी। मतलब जब ये पुराना यूनिवर्स मरा था, जब उसमें संकुचन हुआ था, इसको हम साइंस में द बिग क्रंच कहते हैं, कि जब यूनिवर्स ऐसा कुछ हो जाए कि यूनिवर्स फैलने की बजाय सिकुड़ने लगे और सिकुड़कर एक शून्यता में समा जाए, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्स की डेथ हो जाना। और जब यूनिवर्स डेड हो जाता है और उसका पूरा मैटर एक शून्यता में समा जाता है, तो उसी को सिंगुलैरिटी कहते हैं। और इसी में दोबारा बिग बैंग होता है, दोबारा विस्फोट होता है, और उसी मैटर से दोबारा एक नया यूनिवर्स बनता है, और इसी को साइक्लिक नेचर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में भी हमने देखा है कि जो हमारा समय है वो साइक्लिक है, युग बार बार रिपीट होते रहते हैं, यूनिवर्स बनता है फिर बिगड़ता है, फिर बनता है फिर बिगड़ता है। ये जो पूरा साइक्लिक नेचर है, ये अब हम विज्ञान में भी देखने लगे हैं। साथियों, अब आइए ऋग्वेद के नासदीय सूक्त को देखते हैं। अगर आप ऋग्वेद के दशम मंडल में जाएंगे और वहां पर 129वें सूक्त को देखेंगे, तो उसे नासदीय सूक्त कहा जाता है। एक सूक्त कई मंत्रों का समूह होता है, और इस सूक्त में भी 7 मंत्र हैं। अब इसे नासदीय क्यों कहा जाता है? अगर आप नासदीय देखें, तो नासदीय शब्द ना आसीत से बना है, मतलब नहीं था। तो यहां पर इस सूक्त के माध्यम से बताया जा रहा है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो समय कुछ भी नहीं था, यहां से प्रारंभ होगा, और सृष्टि की रचना कैसे हुई ये आगे बताया जाएगा। तो 7 मंत्रों में सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई है, ये हम देखने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये आधुनिक विज्ञान से कितना मेल खाता है। तो चलिए पहले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, अगर आप नासदीय सूक्त का प्रथम मंत्र देखें, तो ये प्रारंभ होता है ना असत आसीत नो इति सत आसीत, यानी कि ना असत था और ना ही सत था। अब ये असत और सत क्या होता है? सत का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, और असत का अर्थ होता है नॉन एग्जिस्टेंस, यानी जिसका अस्तित्व ना हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सृष्टि से पहले, सृष्टि के बनने से पहले ना तो सत था और ना ही असत, यानी ना तो एग्जिस्टेंस थी ना ही नॉन एग्जिस्टेंस। तो अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझें, तो सृष्टि के बनने से पहले कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं होना भी नहीं था। मंत्र में आगे तदानीम आता है, तदानीम का अर्थ हो गया कि उस समय, और उसके आगे क्या बोला गया है? ना आसीत रजः नो इति व्योम, इसका अर्थ
कहते हैं कि उस समय रज भी नहीं था। रज का अर्थ यहाँ कण से लिया जाता है, कण मतलब मैटर भी नहीं था। तो सृष्टि के बनने से थोड़े समय पहले तक कण भी नहीं था, और उसके बाद बोला गया है नो इति व्योम, यानी कि व्योम का अर्थ हो गया अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष भी नहीं था। तो ये जो हम स्पेस देखते हैं, ये पूरा स्पेस भी उस समय नहीं बना था। तो जो स्पेस है जिसमें पूरा मैटर बंधा हुआ है, वो स्पेस भी नहीं बना हुआ था, यहाँ पर इस मंत्र में बताया गया है। अब अगर आप आगे मंत्र में जाएंगे तो वहां पर लिखा है कि किम आवरिवह कुह, कि आवरण करने वाला वो तत्व कहाँ था जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। फिर बोला गया है कस्य शर्मन्नम, यानी किसके संरक्षण में था, कौन उसका कारण था, कौन उसके पीछे वो शक्ति थी कि वो जो तत्व था जिससे वो सृष्टि उत्पन्न हुई। तो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि वो कहाँ था और उसका कौन संरक्षक था। अगर आप आगे देखें तो अम्भा शब्द प्रयोग में आया है। अम्भा शब्द माता के लिए किया जाता है, जननी के लिए, जिससे कुछ जन्म होता है। तो उस सृष्टि का जो जन्मदाता है, वो जो आवरण करने वाला तत्व है, वो कहाँ था और किसके संरक्षण में था, ऐसा यहाँ पर प्रश्न किया गया है। फिर बोला गया है किम आसीत गहनम गंभीरम, यानी कि वो तत्व क्या था जो इतना गंभीर यानी कि गहरा और गहन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली पंक्ति में, मंत्र की पहली पंक्ति में आपको ये बताया गया कि ना तो उस समय सत था, एग्जिस्टेंस भी नहीं थी, नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं थी, ना तो कोई मैटर था और ना ही स्पेस था। उसके बाद एक प्रश्न किया गया है कि ये सब कहां था, वो जो आवरण जिससे सृष्टि आई, जब कुछ भी नहीं था तो जो तत्व है, कुछ तो रहा होगा जिससे सृष्टि आई है, वो तत्व कहां था, किसके संरक्षण में था, ऐसा प्रश्न उठाया गया है। क्योंकि प्रश्न ही है जो आपको आपके सत्य की तरफ लेकर जाता है। सबसे अच्छा तरीका है जब आप प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। और अगर आप विज्ञान में भी देखें, अगर आप स्टीफन हॉकिंग और पेनरोज जी का वर्क देखें, तो उसमें भी यही बोला गया है कि जो सिंगुलैरिटी है वो इतनी छोटी है, सब एटॉमिक पार्टिकल से भी लाखों गुना छोटी है, कि वहां पर जो क्वांटम इफेक्ट्स है, जो रैंडमनेस है, वो समझने लायक नहीं है। और उसी रैंडमनेस से ये महाविस्फोट, ये बिग बैंग हुआ था। तो यहां पर भी इस मंत्र में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी उसी प्रकार का वर्णन है जो बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, कि ना तो वहां एग्जिस्टेंस ही थी और ना तो एग्जिस्टेंस का ना होना भी नहीं था। यानी आप देख रहे हैं सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, और ना ही कोई मैटर था, तो मैटर भी नहीं था, और मैटर जहां रहता है स्पेस, वो भी नहीं बना था। तो एक प्रकार की कोई तो ऐसी चीज थी जो हमारे समझने लायक नहीं थी, जिसको हम नहीं समझ सकते, इस मंत्र में ऐसा बताया गया है। और उसके ही पैरेलली हम साइंस में भी देखते हैं कि वो जो रैंडमनेस है क्वांटम लेवल पर, जो आज तक हम नहीं समझ पाते हैं, जो केवल प्रोबेबिलिटी रहती है, उसी तरह का साइंस में भी बताया जाता है। अब साथियों बढ़ेंगे दूसरे मंत्र की तरफ। अब साथियों अगर आप दूसरे मंत्र को देखें तो ये प्रारंभ होता है न मृत्यु आसीत अमृतम न तरही, यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ना तो समय मृत्यु थी और ना ही मृत्यु का अभाव था। अगर आप इसको ऐसे समझे तो मृत्यु भी नहीं थी और मृत्यु का ना होना भी नहीं था। तो जब मृत्यु नहीं थी तो मृत्यु से जो बचने की लालसा होती है, अमरता जो होती है, वो भी नहीं थी। मृत्यु भी नहीं थी और मृत्यु से बचने की जो लालसा है, जो अमरता है, वो भी नहीं थी। अब इसके बाद बोला गया है न रात्र्याह अहना आसीत, यानी कि ना तो रात थी और ना ही दिन था। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जब सृष्टि ही नहीं बनी तो प्रकाश भी नहीं बना, और जब प्रकाश नहीं बना तो प्रकाश भी नहीं था, और प्रकाश की एब्सेंस यानी कि अंधकार भी नहीं था, क्योंकि स्पेस ही नहीं बना है, प्रकाश कहाँ रहेगा, स्पेस में रहेगा, और स्पेस भी नहीं बना है तो प्रकाश नहीं है, और प्रकाश का ना होना भी नहीं है, क्योंकि स्पेस में ही तो अंधकार भी है, प्रकाश की एब्सेंस जो है, लाइट की एब्सेंस, वो स्पेस में ही है। तो स्पेस ही नहीं बना है तो एब्सेंस भी नहीं है, तो ना तो दिन था और ना ही रात थी। अब अगर आप दूसरे मंत्र की अगली पंक्ति को देखें तो यहां पर बोला गया है कि उस समय जो कुछ भी था, जो भी तत्व था, वो अनादि था, परम था और अपनी शक्ति से विद्यमान था, अपनी शक्ति से प्रतिष्ठित था और सत्ता स्वरूप को ग्रहण किए हुए था। तो कुछ भी था, जो भी था, जो हमारी समझ के परे है, वो स्वयं की शक्ति से विद्यमान था, वो किसी पर आश्रित नहीं था। तो यहाँ पर स्वधया शब्द आया है, यानी स्वयं से खुद को धारण किया हुआ। तो एक ऐसा तत्व था जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जो स्वयं की सत्ता से, स्वयं की शक्ति से वहां पर विद्यमान था। तो ये पूरे दूसरे मंत्र में बताया गया है कि ना तो मृत्यु थी और ना ही अमरता थी, ना ही रात थी और ना ही दिन था, यानी कि ना तो प्रकाश था और ना ही प्रकाश का अभाव था। जो कुछ भी था वहां पर, जो हम समझ नहीं सकते हैं, वो स्वयं की शक्ति से वहां पर विद्यमान था, यानी कि उसमें इतना पोटेंशियल तो था जो सृष्टि को जन्म दे सके, स्वयं की शक्ति से वहां पर प्रतिष्ठित था। जैसे कि आप विज्ञान में पढ़ते होंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, कि ऊर्जा आप में होती है, क्रियान्वित नहीं होती है। जैसे कि अगर आप बुलेट है, तो बुलेट जो है जब दागी जाती है तब वो क्रियान्वित होती है और तब उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, लेकिन जब तक वो दागी नहीं गई है, जब तक उसके अंदर पोटेंशियल है, तो हम कहते हैं एक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे कि जब आप बॉल को उठाते हैं हवा में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है ग्रेविटी के कारण, जो उसके अंदर पोटेंशियल है, जैसे ही आप छोड़ेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो जो वहां पर तत्व था, उसमें स्वयं का कुछ पोटेंशियल था सृष्टि को बनाने का, जो अभी क्रियान्वित नहीं हुआ।
हुआ था, तो वो पूरा पोटेंशियल से वो तत्व वहाँ भरा था जो हमारी समझ से परे था। और यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि स्वयं की शक्ति से वो वहाँ पर प्रतिष्ठित था, यानी हम कह सकते हैं कि पूरी जो ब्रह्मांड की ऊर्जा थी जो आज ब्रह्मांड में फैलता हुआ दिख रहा है, वो उस समय एक बिंदु में, एक तत्व में, एक परम तत्व में जो अनादि पदार्थ था उसमें एक पोटेंशियल की भांति छुपा बैठा था। इसीलिए यहाँ पर आवरण शब्द का प्रयोग किया जाता है और बोला गया है कि वो जो है स्वयं की शक्ति से अपनी स्थितिज ऊर्जा से वहां पर विद्यमान था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि दूसरे मंत्र में भी आप आधुनिक विज्ञान की कुछ झलक देख पाए होंगे। अब हम बढ़ेंगे तीसरे मंत्र की तरफ। अब साथियों अगर आप तीसरे मंत्र को देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि तमः आसीत तमसा गुहम अग्रे अप्रकृतम, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि तमः आसीत कि कुछ तो अंधकार जैसा था, तमसा गुहम लेकिन अंधकार से भी गहरा। फिर बोला गया है अग्रे अप्रकेतम, अग्रे मतलब सृष्टि से पूर्व, अप्रकेतम का मतलब हो गया जो आप समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जब सृष्टि नहीं बनी थी तो कुछ तो था जो अंधकार से भी ज्यादा गहरा था। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है ये वॉइड का दिया जा रहा है, क्योंकि स्पेस है नहीं। तो जो हम वॉइड की बात करते हैं कि जहाँ कुछ भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, तो उसको यहाँ पर बोला गया है कि वो जो हम जिसको समझ नहीं सकते अप्रकेतम अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, क्योंकि हमारी बुद्धि और विचार भी इसी स्पेस में है। तो जब हम स्पेस में ही नहीं हैं तो हम उसको समझ नहीं सकते, और उसको बोला गया है कि वो अंधकार से भी गहरा, कुछ अंधकार जैसा था। तो ये उस वातावरण की बात हो रही है जहाँ पर जो हमने जो परम तत्व की बात की जो खुद की शक्ति से विद्यमान है, वो कहाँ विद्यमान था, वो ऐसे वातावरण में था जो अंधेरे से भी गहरा था और जिसको हम समझ नहीं सकते। उसके बाद बोला गया है सलिलम सर्वम, तो सर्वम का अर्थ हो गया कि सब जगह व्याप्त, जो हर जगह हो। सलिलम मतलब पानी के जैसे, समुद्र के जैसे। तो ये जिस अंधकार की बात हो रही है जो अंधकार से भी ज्यादा गहरा है, क्योंकि पहले बताया जा चुका है कि अंधकार भी नहीं था, क्योंकि प्रकाश की जो एब्सेंस है वो भी नहीं थी, क्योंकि प्रकाश की एब्सेंस भी आप स्पेस में देखते हैं कि जहां लाइट नहीं है वही जो है अंधकार है। लेकिन ये जो बात की जा रही है, जिस तम की बात की जा रही है, वो अंधकार से भी गहरा है। ये अगर आप विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो ये वॉइड की बात की जा रही है, और इसको बताया जा रहा है कि ये सलिलम सर्वम, ये समुद्र की तरह चारों ओर व्याप्त था। अब अगर आप दूसरी पंक्ति में जाएंगे तो यहां पर बताया जा रहा है कि अभी तक जिस परम तत्व की हमने बात की थी उसके लिए हम आभु शब्द का यहां प्रयोग कर रहे हैं, तो जो जानने योग्य परम तत्व है, जो एक आवरण है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसमें सबसे पहले एक तत्व जन्म लेता है, एक बीज जन्म लेता है ज्ञानमयी तप से। तो यहाँ पर आगे लिखा गया है कि तपसः तत् महिना अजायत एकम, तो एक जो है चीज जन्म लेती है महत नाम से, जिसको यहाँ पर महिना कहा गया है, उस आवरण वाले परम तत्व से, अनादि तत्व से, उसके तप से। तप मतलब यहाँ ज्ञान रूपी तप की बात की जा रही है, कि उसके ज्ञान रूपी तप से एक बीज जन्म लेता है, तो जिससे सृष्टि उत्पन्न होने वाली है, वो जो तत्व है, जो आवरण है, जिसको हम आभु कह रहे हैं, जिसको हम समझ नहीं सकते, उस आवरण से जो कि वॉइड में, जो कि समुद्र जैसे वॉइड में घिरा हुआ है, जहाँ कुछ नहीं है, उसके बीच में है, उससे एक बीज जन्म लेता है महत नाम से। ये महत ही कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। जैसे कि जब आप पुराण पढ़ेंगे जो सगुण रूप में व्यक्त करता है इसी सब ज्ञान को, तो पुराण में बोला जाता है कि ब्रह्मा जी से सरस्वती जी उत्पन्न हुई, यानी कि पहले ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान के ही उत्पन्न होने से सृष्टि का निर्माण होगा। तो पहले हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, अगर कोई बिल्डिंग खड़ी करने जा रहे हैं तो पहले उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या कोई प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं तो पहले आइडिएट कर लेते हैं, आइडिया बना लेते हैं, तब वो हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि उस आवरण ने सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया, वो महत बनाया, वो इंटेलिजेंस बनाई जो अब ब्रह्मांड को रचेगी। ऐसे अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये महत तत्व बनता है, और महत तत्व की चर्चा हमने सांख्य और योग दर्शन में भी की है। सांख्य दर्शन जब मैंने एक वीडियो की थी उसमें भी आपको महत के बारे में बताया था, और चूंकि सांख्य दर्शन की थ्योरी ही प्रैक्टिकल रूप में योग दर्शन में लगती है, तो योग दर्शन में भी महत तत्व की बहुत महत्वपूर्णता है। मैंने सांख्य दर्शन पर इसी चैनल पर दो वीडियोस बनाई हैं, अगर आपको पूरा सृष्टि निर्माण सांख्य दर्शन की दृष्टि से जानना है तो आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। साथ में सांख्य दर्शन का एक प्रमुख ग्रंथ है सांख्य कारिका, जो ईश्वर कृष्ण जी ने लिखी है, उसमें 72 कारिकाएं हैं, और उन 72 कारिकाओं की डिटेल स्टडी, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने कोर्स में भी किया है जो मैं शिक्षणम पर पढ़ाता हूं। और अभी तक की मेरी पढ़ी हुई सबसे ज्यादा साइंटिफिक फिलॉसफी है सांख्य दर्शन। तो आपका इंटरेस्ट हो तो आप शिक्षणम ऐप पर जाकर सांख्य दर्शन के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथियों शिक्षणम ऐप पर सांख्य दर्शन और योग दर्शन ही नहीं बल्कि न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और उपनिषद भी आने वाले हैं, और साथ में और भी जो दर्शन है, चाहे वो शैव दर्शन हो, शाक्त दर्शन हो, वैष्णव दर्शन हो, या फिर कोई विदेशी दर्शन है, ग्रीक फिलॉसफी है, जैपनीज फिलॉसफी है, चाइनीज फिलॉसफी है, उसके साथ साथ हमारा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है, ये सब मैं वहां पर लाने वाला हूं। वहां पर संस्कृत भाषा भी सिखाई जा रही है, गुरुकुल के आचार्य वहां पर संस्कृत भाषा भी सिखाते हैं।
हैं, क्योंकि सही संस्कृत और दर्शनों के ज्ञान से न केवल आप सनातन धर्म के वैज्ञानिक पहलू से जुड़ते हैं बल्कि पाखंडों से भी दूर जाते हैं। साथियों, सारे कोर्सेज आजीवन उपलब्ध रहेंगे। एक बार आप इनरोल करेंगे आपको लाइफ टाइम का एक्सेस दिया जाता है, और आप हाइपर क्वेस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं इसलिए हमने एक हाइपर 15 कोड की भी व्यवस्था की है, जो केवल आपको ही पता है, ये कोड और कहीं नहीं है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हाइपर क्वेस्ट को लगातार देखते हैं, उन्हीं के लिए ये कोड है। इसका उपयोग करके आप 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा जाएंगे। साथियों, मैंने शिक्षणम ऐप की और वेबसाइट की लिंक नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एक बार जरूर जुड़े, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। और अगर आपको कोई समस्या है तो हमारे शिक्षणम ऐप पर फ्री क्लासेस भी हैं, 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस हैं, तो आप आइए समझिए सब्जेक्ट्स कैसे हैं, मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, और अगर आपको इंटरेस्ट जगे तो आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, जो बहुत ही डिटेल में बनाए गए हैं। तो साथियों, हमने तीसरे मंत्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा, अब आइए चलते हैं नासदीय सूक्त के चौथे मंत्र की तरफ। अब साथियों, हम चौथे मंत्र को देखें तो ये प्रारंभ होता है कि कामः तत् अग्रे, तो अग्रे का अर्थ हो गया कि आगे जो आने वाला है। तो अभी तक हमने देखा कि एक आवरण था जो स्वतः प्रतिष्ठित था और उससे फिर महत बीज जन्म लिया। अब महत बीज के जन्म लेने के बाद क्या हुआ, मतलब अग्रे आगे क्या हुआ, कामः तत् मतलब तब, अग्रे मतलब आगे, कामः यानी इच्छाएं उत्पन्न हुई। तो हम देख सकते हैं कि किसी काम के लिए सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। सृष्टि का निर्माण होगा ही क्यों, जब कोई कारण ना हो, कोई इच्छा ना हो, तो उस महत बीज से इच्छाएं जन्म ली। इसीलिए आगे लिखा है कि सम अवर्तत अधिमनसः रेतः प्रथमम यत आसीत, यानी सम अवर्तत, सम का मतलब हो गया सम्यक रूप से, अवर्तत मतलब जो वर्तमान में होता है, फिर अधिमनसः यानी मन, और अधि मतलब होता है अधिकरण यानी मन के अंदर। तो जैसे हमारे मन के अंदर इच्छाएं जन्म लेती हैं, इच्छाएं होती हैं, उसी प्रकार से उस महत बीज में इच्छाएं जन्म हुई जिससे सृष्टि का निर्माण हो। इसीलिए आगे लिखा गया है कि रेतः प्रथमम यत आसीत, रेता मतलब इच्छाएं ही, प्रथमम मतलब सबसे पहले, यत आसीत वहां पर उत्पन्न हुई। अब दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि सतः बंधुम असति निह अविंदन हृदि प्रतिष्ठा कवयः मनीषा। तो यहां पर बोला जा रहा है कि सतः बंधुम असति, यानी कि जो असत से सत आया है, जो उसमें जुड़ाव है, यानी कि अव्यक्त से कुछ व्यक्त हुआ है, जो नॉन एग्जिस्टिंग थिंग थी उससे कुछ एग्जिस्ट करने लगा है, तो जो जुड़ाव है, जो उसके बीच का संबंध है, वो जो ऋषि होते हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है, वो समझ पाते हैं। क्योंकि बाकी लोग, हमारे आप जैसे लोग, इन इच्छाओं की शक्ति में बंधे रहते हैं, इस जगत की माया में फंसे रहते हैं, और इन इच्छाओं का जो सत्य स्वरूप है उसको नहीं समझ पाते। अब साथियों, बढ़ते हैं पांचवें मंत्र की तरफ, और पांचवा मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। अगर आप नासदीय सूक्त देखेंगे, 7 मंत्र है, पांचवें मंत्र में बहुत गूढ़ रहस्य है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए तो आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी। इसको अच्छे से जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की भी बात हुई है। तो आइए अब पांचवें मंत्र को समझते हैं। अब साथियों, अगर आप नासदीय सूक्त के पांचवें मंत्र को देखें तो ये प्रारंभ होता है तिरश्चीनः विततः रश्मिः एषाम। तो यहाँ पर तिरश्चीनः का अर्थ होता है कि चारों ओर, उसके बाद विततः का अर्थ होता है फैल गया, उसके बाद बोला गया है रश्मिः एषाम, एषाम का मतलब इसकी। तो अभी इसकी किसकी बात हो रही है, जो बीज था महत बीज, उससे जो इच्छाएं जन्म हुई थी, तो उनकी बात हो रही है, रश्मिः उसकी रश्मि। तो अगर आप संस्कृत में देखें तो रश्मि के 2 अर्थ होते हैं, एक तो सूत्र या धागे को भी रश्मि कहते हैं, और दूसरा हम प्रकाश को भी कहते हैं, लेकिन प्रकाश यहाँ पर सटीक बैठता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये होता है कि जो भी बीज था, उससे जिन इच्छाओं ने जन्म लिया, वो प्रकाश रूप में चारों ओर फैल गईं। इसलिए आगे लिखा गया है कि अधः स्वितासीत ऊपर ही स्वितासीत। तो अधा का मतलब होता है नीचे, ऊपर ही का मतलब होता है ऊपर। तो चारों ओर जब बात की जा रही है कि चारों ओर जो प्रकाश रूप में इच्छाएं फैली हैं, जो उस बीज से जन्म ली हैं, वो कुछ ऊपर की ओर, कुछ नीचे की ओर, चारों ओर फैल गईं। अब साथियों, अगर हम यहाँ पर दूसरी पंक्ति को देखें तो यहाँ पर बोला गया है रेतोधा आसन महिमान। यहाँ पर हम एक एक शब्द के अर्थ को देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो महिमान का अर्थ हो गया महिमा या दिव्यता से, महिमान से जुड़ा हुआ है आसन, आसन का मतलब होता है प्रकट होना या स्थित होना, और उसके पहले है रेतोधा। तो रेतोधा 2 शब्दों से बना है, रेता और धा से। तो धा का मतलब होता है धारण करना, और रेता का अर्थ, जैसे कि मैंने बताया है, इच्छाएं। और इसके बाद लिखा गया है कि आसंत सुधा अवस्तात प्रयति परस्तात। तो यहां पर बोला जा रहा है आसंत स्वधा, आसंत का मतलब होता है बांध लेना, और स्वधा मतलब होता है स्वयं में ही, और आगे फिर प्रयति बोला गया है, प्रयति का मतलब होता है कि स्वयं के प्रयत्न से, यानी स्वयं की इच्छा से। तो यहां पर अगर आप इस मंत्र का पूरा अर्थ देखेंगे तो यहां पर यह अर्थ पता चलता है कि उस बीज से जो इच्छाएं जन्म ली थी, वो चारों ओर प्रकाश रूप में फैलने लगी, और उसके बाद उनमें से अपनी इच्छा से स्वयं में अपने आप को बांधना शुरू किया। अब अगर आप इसे आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो पहली पंक्ति हमें बिग बैंग के बारे में बताती है, महाविस्फोट
रूप के बारे में बताती है कि मतलब जो भी इच्छाएं जन्म ली वो प्रकाश रूप में चारों ओर फैलने लगी। और जब हम दूसरी पंक्ति को देखते हैं तो जैसा कि हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा है कि जैसे जैसे समय बीतता गया चीजें ठंडी होने लगी, कूल डाउन हुई, तो आपस में आके मिलने लगी गुरुत्वाकर्षण के कारण, और उसी से फिर गैलेक्सीज बनी, नेबुलास बने, ब्लैक होल बना, हमारे एलिमेंट्स बने, हमारे प्लैनेट्स बने, और ये पूरा ब्रह्मांड फिर अपना शेप लेने लगा। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि पांचवें मंत्र को भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाया हूं। अब हम बढ़ेंगे छठे मंत्र की तरफ। अब साथियों, अगर आप नास्तिक सूक्त के छठे और सातवें मंत्र को देखें तो इनके अर्थ बहुत सरल हैं। यहाँ पर कुछ गूढ़ प्रश्न पूछे गए हैं और साथ में कुछ चीजें स्वीकार की गई हैं। तो अगर आप छठे मंत्र को देखें तो यहाँ पर पहले बोला गया है कि कह अधा वेद। तो वेद का अर्थ हम सभी जानते हैं, जानना, समझने से होता है। कह मतलब कौन, और अधा का मतलब हो गया कि तत्व रूप से। तो हम यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन है जो तत्व रूप से सृष्टि की उत्पत्ति को जानता है। और उसके बाद फिर बोला गया कि कह एह प्रवोचत, यानी कौन है जो इसको सृष्टि की उत्पत्ति को समझा सके। प्रवोचत मतलब हो गया कि जिस पर प्रवचन कर सके, विवरण दे सके। तो कौन है जो इसको जानता है और कौन है जो इसको समझा सकता है, इसका विवरण दे सकता है। फिर आगे बोला गया कि कुतः आ जाता, कुतः एयम वि असृष्टि है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुतः आ जाता मतलब किस निमित्त कारण से ये सृष्टि बनी है। फिर बोला गया कुतः मतलब किस उपादान कारण से, क्योंकि सृष्टि के कई कारण हो सकते हैं। एक तो इच्छा किसने की है, दूसरा जो पूरा मटेरियल है, जो पूरा मैटर उस इकाई में था वो कहाँ से आया, तो इसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है। इसीलिए बोला गया कि एयम वि सृष्टि है, मतलब जो सृष्टि जो विशेष रूप से उत्पन्न हो रही है उसका क्या निमित्त कारण है, निमित्त मतलब किसकी इच्छा से बन रहा है, और क्या उपादान कारण है यानी वो मैटर कहां से आया। और फिर बोला गया है कि अर्वाक देवाह अस्य व्यसर्जनेन अथ कह वेद यतः आबभूव। तो पहले बोला गया कि अर्वाक देवाह, तो यहाँ पर सृष्टि की बात की जा रही है, सृष्टि की उत्पत्ति की। इसीलिए आगे लिखा गया कि अस्य व्यसर्जनेन, यानी विसर्जनेन से इसका मतलब ये हो गया कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, अर्वाक देवाह, तो जो देवता भी हैं वो सृष्टि की उत्पत्ति के बाद पैदा हुए हैं, तो देवता भी नहीं बता सकते कि ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। और फिर इसीलिए बोला गया कि अथ कह वेद यतः आबभूव, यानी कि इसलिए कौन ही इस विषय के बारे में बता पाएगा। तो अगर आप छठा मंत्र देखें तो यहाँ पर माना गया है कि जितना भी बताया गया है पांच मंत्र तक, वो तो ऋषियों की दिव्य दृष्टि से हमें पता है। अब वो सत्य है कि नहीं सत्य है, इसके पीछे प्रश्न किया जा रहा है कि कौन ही इसके बारे में बता पाएगा। क्योंकि अगर हम ये माने कि देवता हमें बता देंगे, तो देवता भी इस सृष्टि की उत्पत्ति के बाद ही पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे माना जा रहा है कि इसके विषय में साक्षात हमें कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो बताने वाले विद्वान भी हैं वो भी सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए हैं। साथियों, इसी प्रकार की जो सत्यता है, जो संशय बना रहता है, जो संदेह है, वही सनातन धर्म को स्वतंत्र करता है। इसीलिए हम किसी एक किताब या किसी एक भगवान से नहीं बंधे हैं, क्योंकि हमेशा संशय रहता है। अगर आप किसी और रिलीजन से पूछेंगे तो हमेशा यही कहेंगे कि हमारे ईश्वर ने बनाया है, लेकिन वो संशय के लिए, संदेह के लिए तैयार नहीं रहते हैं, और फिर वो एक्सट्रीमिज्म में बदल जाता है। लेकिन यहाँ सनातन धर्म में आपको बताया गया है कि आप हमेशा संशय में रहिए, संदेह में रहिए, क्योंकि सत्य क्या है ये नहीं पता है, केवल हम आकलन लगा सकते हैं। तो साथियों, ये संशय भी बना रहना चाहिए, क्योंकि यही संशय हमें मोटिवेट करेगा उस सत्य की खोज के लिए। अब साथियों, आइए सातवें मंत्र का अर्थ देखते हैं। अब साथियों, अगर आप नास्तिक सूक्त के सातवें मंत्र को देखेंगे तो यहाँ पर ईश्वर पर भी प्रश्न उठाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि इयम वि सृष्टि यतः आबभूव, यानी जो सृष्टि है जो उत्पन्न हुई है। और फिर आगे बोला गया है कि यदि वा दधे, यदि वा न। दधे का मतलब होता है धारण करना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भी है, जिसने भी सृष्टि का निर्माण किया है, क्या वो उसे धारण करता है या नहीं करता है, वो कौन है, किसकी बात हो रही है। तो इसके लिए आगे लिखा गया है कि यह अस्य अधियक्ष, यानी कि जो इसका अध्यक्ष है, परमे वियोमन, यानी कि जो अंतरिक्ष का मालिक है। तो इसका यहां तक ये अर्थ हुआ कि जो भी अंतरिक्ष का मालिक है, जो भी सृष्टि का अध्यक्ष है, क्या वो इस सृष्टि को धारण भी करता है या नहीं करता है। और इसके बाद हम जिज्ञासुओं से भी बोला गया है, जो हमारे जैसे जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं सृष्टि के बारे में, तो उनके लिए भी अंतिम में बोला गया है इस मंत्र में कि सह अंग वेद यदि वाना वेद। तो यहां पर अंग का अर्थ है जिज्ञासुओं से, जो क्यूरियस हैं, और सह का अर्थ हो गया वह, मतलब कि जिसकी अभी बात की गई थी, जो अंतरिक्ष का मालिक है। इसीलिए आगे बोला गया कि वेद यदि वाना वेद। वेद का अर्थ होता है जानना। तो यहाँ पर प्रश्न उठाया जा रहा है, जिज्ञासियों को समझाया जा रहा है कि जो ईश्वर है, जो अंतरिक्ष का मालिक है, जिसने सृष्टि को धारण किया है, वेद का मतलब क्या वो जानता भी है, यदि वाना वेद, या फिर नहीं जानता है। वा का अर्थ होता है अथवा,
वेद का अर्थ होता है जानना। तो यहाँ पर ईश्वर पर भी प्रश्न उठाया गया कि जो धारण करता है, जो अध्यक्ष है, जो मालिक है सृष्टि का, जिसने इसको उत्पन्न किया है, क्या वो इस सृष्टि के बारे में जानता भी है या नहीं जानता है। तो इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि जो इस सृष्टि को चलायमान किए हुए है, क्या उसने ही सृष्टि को उत्पन्न किया है, क्या वही धारण करता है या नहीं करता है, क्या वो इस सृष्टि के बारे में जानता है या नहीं जानता है। तो इस प्रश्न के साथ इस सूक्त की समाप्ति होती है। तो साथियों, सनातन धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर कई तरह के विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से एक नासदीय सूक्त है। ऐसे ही और भी ढेर सारे सूक्त हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, जैसे कि एक हिरण्यगर्भ सूक्त है, एक पुरुष सूक्त है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप पुरुष सूक्त पर भी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप छांदोग्य उपनिषद में जाएंगे तो वहां पर एक अरुणी जी और श्वेत केतु जी के बीच का संवाद है, उसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। साथियों, ऐसे ही मैं हिरण्यगर्भ सूक्त पे भी वीडियो लाऊंगा, साथ में जो उपनिषद है, दर्शन है और भी गूढ़ सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं अपने शिक्षण मैप पर पढ़ाता हूँ। फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं और वहां पर अगर डिटेल में समझना है तो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और हर एक कोर्स में मैंने हर एक संस्कृत ग्रंथ की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या की है, क्योंकि भारतवर्ष में धर्म और विज्ञान हमेशा से साथ चले हैं, एक दूसरे के पूरक रहे हैं। वेस्ट की तरह नहीं है कि रिलीजन और साइंस में जमीन आसमान का अंतर हो, भारत की आत्मा में धर्म और विज्ञान दोनों बसते हैं और हाइपर क्वेस्ट उसी की तरफ एक कदम है। और साथियों, आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिक्षणम पर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं, उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में है, एक बार जरूर जुड़कर देखें, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास था कि नासदीय सूक्त को बहुत ही सरल शब्दों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप सभी को समझाया जाए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों में जरूर साझा करें। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह का ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचता है। और साथियों, इस विषय के बारे में और भी कुछ जानना हो तो मैंने उससे रिलेटेड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी एक बार देख लिया करें, क्योंकि वहां पर फ्री कोर्सेज जो रहते हैं या फिर उसके अलावा कुछ लिंक्स हैं तो मैं दे देता हूं, जिससे आप विषय पर कुछ और भी अध्ययन कर सकें। और साथियों, आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। इसी के साथ इस वीडियो को दूंगा यहीं पर विराम, अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।